हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज बनाने जा रही हूँ बिल्कुल ही नए तरह का बेबी कैप इसको आप बेबी के लिए लेडीज़ के लिए गर्ल्स के लिए किसी के लिए भी बना सकते हैं हर साइज़ में आपको यहाँ से ये नापना है सिर की गोलाई उसके बाद आपको ये बना के कम्प्लीट करना है वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखिए आप चाहें तो यहाँ पे पॉम पॉम भी लगा सकती हैं तो देखिए हमने ये बॉर्डर बना के कम्प्लीट कर लिया है आप जिस किसी का बना रहे हैं तो ऐसे देखिए सिर की गोलाई को ले लें उसके हिसाब से आपको ये बनाना है चाहे आप बड़े का बना रहे हैं या बच्चे का बना रहे हैं जिसका भी बना रहे हैं तो यहाँ पे देखिए हमने इसको बना लिया है अब हम इन फंदों को कर देंगे यहाँ से बंद ये देखिए दो का एक करते हुए हमें बंद करना है ऐसे ये चौदह फंदे से बनाया है अगर आप ये बड़ा बनाएंगे तो बॉर्डर आप सोलह फंदे का बनाएंगे तो बॉर्डर भी चौड़ा होना चाहिए हम बच्चे का बता रहे हैं आपको बनाने का तरीका सेम रहेगा या आप बड़े का बनाएं या छोटे का बनाएं सिर की गोलाई का नाप लेना है आपको फिर आगे डिजाइन डालनी है तो डिजाइन भी हम एकदम अलग बताएंगे आपको बिल्कुल ही नए तरीके का कैप ये बनके कंप्लीट होगा और आप बहुत ही जल्दी इसको बना सकती हैं तो हम ये सारे फंदे बंद कर लेते हैं आप देखिए मेरे पास एक फंदा रह गया तो देखिए इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे और यहाँ से इस फंदे को ऐसे इस साइड में निकाल लेंगे ये देखिए ये देखिए इस तरह से हमने इस फंदे को इधर निकाल लिया अब देखिए हम दोनों में से ऐसे फंदे उठाएंगे दोनों पट्टियों में से ऐसे देखिए और हर एक लाइन में से एक फंदा उठेगा आप जितनी ये लाइन बनाएंगे तीन के मल्टीपल से आप बनाएंगे तो देखिए हर एक लाइन में से हम एक एक फंदा यहाँ पे उठा के कंप्लीट करेंगे तो लास्ट तक हम ये उठा लेते हैं फिर हम आपको आगे का दिखा ये देखिए यहाँ पे फिफ्टी फोर फंदे हमने उठा लिए हैं फिफ्टी फोर रो बनाई थी चौवन तो ये चौवन फंदे उठे हैं भूल हमारी डबल है मोटी बूल है तो हम उस हिसाब से बना रहे हैं आप अगर सिंगल भूल से बना रहे हैं तो ये वाली रो ज़्यादा बनाएं अब देखिए फर्स्ट रो हम इसकी इधर से हमारी उल्टी पड़ रही है तो हम इसको उल्टा बनाते हुए लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे ये देखिए इस तरह से तो हम बना लेते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे देखिए उल्टे तरफ से हमने रो कंप्लीट कर ली अब देखिए हम इसमें डिज़ाइन डालेंगे तो देखिए यहाँ पे एक फंदा उल्टा बुल को पीछे करेंगे दो सीधे एक दो इसी को आपको आगे रिपीट करते जाना है भूल अपने तरफ एक उल्टा दो सीधे एक दो बुल अपने तरफ एक उल्टा दो सीधे तो ऐसे ही हम ये रो कंप्लीट करेंगे एक उल्टा दो सीधे ऐसे तो हम इसको बुन लेते हैं ये देखिए इस तरह से हमने ये बना लिया इधर हमारे पास एक उल्टा है तो इधर आपके दो सीधे होने चाहिए तब ये डिजाइन सेट हो जाएगी आपकी अब आप देखिए हम इधर से उधर से जो हमने सीधे बुने उनको हम उल्टा बुन लेंगे ऐसे और जो उधर से ये देखिए उल्टा बुना इधर से सीधा बुना जाएगा ऐसे और यहाँ से दो उल्टे और एक सीधा इस तरह से हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे दो उल्टे उल्टी तरफ़ से भी हमें ऐसे ही ये बुनना है जैसे हमने सीधे तरफ से बुना उल्टे तरफ से रो हमने कंप्लीट कर ली अब देखिए यहाँ पे उल्टा है उसको हम उल्टा बुनेंगे और सीधे के इधर भी फंदा बढ़ाएंगे सीधे के उधर भी फंदा बढ़ाएंगे तो देखिए फंदा आप किसी भी तरीके से बढ़ा सकती हैं तो देखिए यहाँ से हम इसको ऐसे बुनेंगे अगर आप ऐसे बुन देंगे तो यहाँ पे जाली आ जाएगी तो देखिए इस तरह से उल्टा बुनना है ये उल्टा बुना दिया धागा पीछे कर देंगे दो फंदे सीधे और देखिए धागा अपनी तरफ अब यहाँ पर भी हम ऐसे फंदा बढ़ा लेंगे ये देखिए ये बढ़ गया इसको भी और इधर भी ऐसे तो यहाँ पे तीन फंदे हो गए उल्टे अब देखिए इसको हम ऐसे बना लेंगे दो सीधे और इसको इसको देखिए ऐसे इस तरह से बनाना है ये देखिए दो अब यहाँ पर भी ऐसे इधर से आपको बुनना है ये देखिए तो यहाँ पे आपकी जाली नहीं पड़ेगी दो सीधे अब सीधे के इधर भी फंदा बढ़ाना है और उधर भी ये देखिए इस साइड भी ऐसे अब दो सीधे एक और दो तो इस तरह से हम ये रो कंप्लीट करते हैं ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर ली सीधे तरफ से अब देखिए इधर से जो इधर उल्टे हैं उनको हम उल्टा बुनेंगे तो यहाँ पे देखिए सीधे तरफ से रो कंप्लीट कर ली मैंने अब तो देखिए उल्टे तरफ से तो उल्टे तरफ से देखिए इस फंदे को हम उतारेंगे और यहाँ पे उधर से सीधा वाला फंदा जो है उसको उल्टा बुनेंगे और बढ़ाया वाला फंदा भी हम उल्टा बुन लेंगे आप देखिए जो इधर से सीधा है उसको हम इधर से सीधा ही बुनेंगे ऐसे अब भूल अपने तरफ करेंगे यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार चार उल्टे बुने एक सीधा ये देखिए ऐसे भूल अपने तरफ एक दो तीन चार ये देखिए दो जो हमने सीधे बनाए थे वो बाले और एक एक बढ़ा हुआ तो ये चार हो जा रहे हैं एक हम सीधा बुनेंगे ऐसे भूल अपने तरफ अब चार उल्टे एक दो तीन चार धागा पीछे करेंगे एक सीधा ऐसे ही हम ये रो बना लेते हैं उल्टी रो हमने कंप्लीट कर ली अब देखिए एक दो और एक यहाँ से ऐसे उठाकर बढ़ा लेंगे अब सीधी साइड से फिर से दो सीधे और उसके बाद जो फंदा हम उठाएंगे उसको ऐसे उल्टा बना लेंगे ये देखिए अब देखिए बढ़े हुए फंदे जो हैं उनको हम उल्टा बुन लेंगे दो देखिए एक हमने बढ़ा लिया दो तीन और ये चार अब इसके पास में हम फिर से फंदा बढ़ा देंगे तो इसको हम देखिए ऐसे रख के ऐसे बुन देंगे तो यहाँ पे जाली नहीं आएगी अब धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे अब देखिए सीधे फंदे के दाएँ और बाएं हम दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ाएंगे ये देखिए यहाँ बढ़ा लिया दो तीन चार और देखिए इसको ऐसे रखेंगे और ऐसे ये धागा पीछे करेंगे दो सीधे धागा अपनी तरफ अब यहाँ पे देखिए इसको हम ऐसे रखेंगे और यहाँ से ऐसे बुन देंगे एक दो तीन चार अब हम एक यहाँ पे बढ़ा देंगे तो पांच ये देखिए तो ऐसे ही हम ये रो कंप्लीट करेंगे जी देखिए तो इस तरह से हम इसको बुन लेते हैं ये देखिए ये रो हमने लास्ट तक कंप्लीट कर ली अब देखिए इधर से इस तरह से देखिए यहाँ से इस फंदे को उतारूंगी। और देखिए यहाँ पे ये देखिए एक दो दो उल्टे और ये सेंटर वाला एक सीधा वापस वूल अपने तरफ यहाँ पे आप देखिए एक दो तीन चार पाँच और छ छे, छे उल्टे, एक सीधा बूल अपने तरफ एक दो तीन चार पाँच छः छः उल्टे एक सीधा इस तरह से हम ये रो कंप्लीट करेंगे देखिए फंदे हमारे बढ़ते जा रहे हैं उल्टी रो हमने कंप्लीट कर ली अब देखिए यहाँ पे इस तरह से दो तीन और यहाँ पे इस तरह से एक फंदा हम बढ़ा देंगे सीधे फंदा के इधर भी और सीधे फंदा के उधर भी देखिए दो सीधे तो अब हमने इधर बढ़ा लिया अब इस साइड ऐसे इसको रखेंगे और यहाँ से बुल अपने तरफ करके इसको ऐसे उल्टा बना लेंगे आप देखिए एक दो तीन चार पाँच छः और देखिए इस तरह से ये सात अब दो सीधे अब देखिए हम इसको ऐसे ही अभी थोड़ा सा लंबा करेंगे फिर हम आपको दिखाएंगे यहाँ से हमने कितने फंदे बढ़ाए पहले मैं बढ़ा लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ सेम तरीके से करना है तो देखिए यहाँ पे हमने ये फंदे बढ़ा लिए हैं तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नौ फंदे तक हमने इसमें बना लिया है अगर आप बड़ा बनाएंगे तो पंद्रह फंदे या फिर तेरह फंदे तक बना लें ये मैं छोटा बता रही हूँ आपको तो हमने ये नौ फंदे तक बढ़ाए हैं अब देखिए जैसे हमने सीधे फंदे के दाएं और बाएं दोनों तरफ फंदा बढ़ाया था वैसे ही अब हम घटाएंगे तो यहाँ से देखिए एक दो तीन और देखिए ये देखिए ये चार दो का एक धागा पीछे करेंगे दो सीधे अब धागा अपने तरफ यहाँ पे देखिए दो का एक अब एक दो तीन चार पाँच और देखिए दो का एक छः अब यहीं से पल सीधा करके धागा और दो फंदे सीधे भूल अपने तरफ अब यहाँ पे दो का एक उसके बाद देखिए दो तीन चार पाँच छ और ये दो का एक इस तरह से फंदे आपको घटाते जाना है सीधे फंदे के इधर भी और सीधे फंदे के उधर भी तो इस तरह से हम ये रो कंप्लीट करते हैं ये देखिए इस तरह से हमने लास्ट तक इसको बना लिया लास्ट में देखिए दो फंदे ये सीधे हैं उससे पहले हम ये दो का एक कर देंगे अब इधर बुन करके ये दो फंदे सीधे बुन लेंगे ऐसे अब देखिए उल्टी रो में फंदे थोड़ा ज़्यादा हैं तो हम ये देखिए इस तरह की नेल लगा ले रहे हैं इसमें अब इधर से इस फंदे को उतारेंगे और देखिए एक दो तीन चार और देखिए एक इधर से सीधा ये वाला जो यहाँ पे फरी आ रही है ये वाला बोल अपने तरफ एक दो तीन चार पाँच और छ अब देखिए धागा पीछे करके एक सीधा बन लेंगे ऐसे ही हम एयरो बना लेते हैं उल्टी रो कंप्लीट करने के बाद हम सीधी रो पे आ गए हैं तो अब देखिए फिर से मैं फंदे घटाऊंगी तो देखिए दो तीन दो ही बनूँगी यहाँ पे क्योंकि स्टार्टिंग में ये देखिए दो का एक तो ये तीन बचे अब देखिए एक दो सीधे अब भूल अपने तरफ अब देखिए इस साइड भी फंदा घटाना है यहाँ भी घटा लिया यहाँ भी घटाना है अब यहाँ से हम दो तीन चार और देखिए दो का एक पाँच अब ये दो सीधे भूल अपने तरफ यहाँ पे ऐसे दो का एक देखिए दो तीन चार और ये यहाँ पे दो का एक इस तरह से देखिए अब ये हम ऐसे ही अभी बनाएंगे देखिए ये दो का एक तो देखिए ये रो हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं अब देखिए सीधी रो कंप्लीट कर ली अब देखिए इधर से जैसे हम बुन रहे हैं वैसे ही बुनेंगे जो उल्टे फंदे बचे हैं उनको हम उल्टा बुनेंगे और एक फंदा सीधा ये देखिए बोल अपने तरफ अब एक दो तीन चार और देखिए ये पाँचवा फंदा सीधा इस तरह से हम ये रो कंप्लीट करते हैं उल्टी रो मैंने कंप्लीट कर ली अब देखिए यहाँ पे इसको उतार लेंगे भूल अपने तरफ और यहाँ पे देखिए ये दो का एक धागा पीछे कर देंगे ऐसे और दो फंदे सीधे धागा अपने तरफ करेंगे और देखिए यहाँ पे वापस दो का एक और एक फंदा ये उल्टा बनेंगे यहाँ पे दो का एक दो फंदे सीधे एक और दो इस तरह से ये रो हम कंप्लीट करेंगे दो का एक एक फंदा उल्टा यहाँ पे फिर से दो का एक तो तीन फंदे हमारे पास ये सेंटर में रह गए हैं अब देखिए ऐसे ही हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं अब देखिए उल्टी रो पे आ गए हैं जहाँ पे हम इस फंदे को उतारेंगे और देखिए दो तीन और चार ये चार फंदे हम ऐसे बनाएंगे और इसको हम सीधा बनाएंगे इसको सीधा अब और अपने तरफ यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार चार उल्टे और एक सीधा इस तरह से हम ये रो उल्टे तरफ से कंप्लीट कर लेते हैं उल्टी रो मैंने कंप्लीट कर ली अब मैं सीधी रो पे आ गई हूँ तो देखिए यहाँ पे तो हम ऐसे ही दो का एक कर दे रहे हैं ये देखिए इस तरह से और ये दो फंदे सीधे अब बीच में बचे मेरे पास तीन फंदे तो देखिए जैसे हम गले वाला फंदा घटाते हैं ट्विस्ट करके वैसे ही हम तीन का एक कर देंगे यहाँ पे हम थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिए तो इस तरह से हम तीन का एक कर देंगे क्योंकि बीच में हमारे पास तीन फंदे बचे हैं देखिए दो सीधे अब देखिए यहाँ पे इसको इधर किया इसको बीच ऐसे कर लिया इसको ऊपर किया और यहाँ पे तीन का एक ये देखिए दो सीधे और ये देखिए ऐसे इसको छोड़ देंगे और इसको इधर करके ऐसे देखिए तीन का एक अब ऐसे ही हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे अब देखिए उल्टी रो पे आ गए हैं तो उल्टी रो में अब हम सारे फंदे उल्टे ही बुन देंगे ऐसे इस तरह से तो हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं उल्टी रो हमने उल्टी बुनते हुए कंप्लीट कर ली अब देखिए हम एक रो इधर से सीधी बुनेंगे और एक रो उधर से उल्टी तो हम ये दो रो बुनने के बाद आपको दिखाते हैं आगे का ऐसे आप देखिए यहाँ पे दो रो कंप्लीट कर ली और इस रो में अब मेरे पास चौवन फंदे हैं जो हमने यहाँ से उठाए थे उतने ही फंदे बचेंगे आपके पास ये डिजाइन डलने के बाद जब आप डिजाइन को यहाँ पे खत्म करेंगे तो आपके पास उतने ही फंदे होंगे अब देखिए हम यहाँ पे चार रो उल्टी बुनेंगे ऐसे इधर को गांठ स्टिच दो आएंगे, तो दो हम इधर से ऐसे ही ये बनाएंगे दोनों तरफ की चार रो बनने पे ये दो गांठ स्टिच सीधे तरफ आ जाएंगी तो हम यहाँ पे ये चार रो पहले कंप्लीट करते हैं फिर दिखाते हैं ये देखिए हमने ये चार रो कंप्लीट कर ली दो गांठ स्टिच आ गई हैं अब देखिए है हम यहाँ पे सीधा बुनेंगे और उधर से उल्टा देखिए इस तरह से तो हम दो रो ये बनाएंगे एक इधर से सीधा और उधर से उल्टा फिर देखिए दो गांठ स्टिच और हम बनाएंगे इसमें चार रो ऐसी फिर हम आपको दिखाएंगे आगे का ये देखिए यहाँ पे हमने दो रो सिंपल बुनी फिर चार रो उल्टी उल्टी बुन गई अब देखिए यहाँ से हम फंदे घटाएंगे तो एक फंदा हमने उतारा दो तीन चार चार फंदे हम यहाँ पे लेंगे और ये ऐसे दो का एक उसके बाद एक दो तीन चार पाँच यहाँ पे दो का एक इस तरह से एक दो तीन चार पाँच दो का एक ऐसे ही हम ये लास्ट तक बनाते हैं ये देखिए लास्ट तक मैं आ गई हूँ तो दो यहाँ पे तीन चार और देखिए यहाँ पे बीच में चार ही बचे हैं हमारे पास तो हम ये यह यहाँ पे ऐसे घटा देते हैं ये यह देखिए यहाँ पे घटाना ज़रूरी है यहाँ पे आपको घटाना ही है अगर आपके पास कम फंदे बचते हैं तो एक दो रो के बाद आप घटा सकते हैं जब यहाँ के बराबर आपके फंदे रह जाएं अब उल्टी रो में हमें कुछ नहीं करना है सिर्फ उल्टा बुनना है तो हम उल्टी रो कंप्लीट करने के बाद दिखाएंगे उल्टी रो हमने कम्प्लीट कर ली सीधे पे आ गए हैं तो यहाँ से देखिए दो और तीन अब यहाँ पे इस फंदे को देखिए ऐसे आगे रख के दो का एक अब यहाँ से एक दो तीन चार ऐसे दो का एक एक दो तीन चार दो का एक एक दो तीन चार पूरी रो हम ऐसे ही बना लेंगे उल्टी रो उल्टा बुन लेंगे उल्टी रो मैंने कंप्लीट कर ली अब देखिए यहाँ से ये दो फंदे हमने बुने और ऐसे दो का एक ये देखिए उसके बाद एक दो तीन दो का एक, एक दो तीन ऐसे ही एक एक फंदा घटाते हुए हम घटा देंगे फंदे उल्टी रो में कुछ नहीं करना है लास्ट में देखिए जब एक फंदा यहाँ बचेगा एक यहाँ बचेगा एक फंदा ये वाला बचेगा दो दो फंदे तब हम दिखाएंगे आप ये देखिए सारे फंदे हमने घटा दिए आप देखिए जितनी फली थी हमारे पास उतने ही फंदे रह गए तीन और तीन और दो आठ तो देखिए यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः और एक सात और यहाँ पे एक आठ ये देखिए यहाँ पे हमने घटाए थे तो अब देखिए आठ फंदे हमारे पास हैं तो अब हम इनमें से सभी में से ऐसे सुई को निकाल देंगे ऐसे देखिए ये देखिए ये निकाल दी और यहाँ से देखिए ऐसे ये देखिए तो यहाँ पे ये कि नॉट लग गई ऐसे देखिए और गोलाई भी देखिए कितनी अच्छी आई है इसमें इस तरह से अब देखिए हम इसको पलट लेंगे पलट के ऐसे सिलेंगे मिलाते हुए और देखिए ये कहीं भी पता नहीं चलेगा आपको कि कहाँ से सिला हुआ है इस तरह से ये बनता है तो देखिए अब यहाँ से हम ऐसे मिलाते हुए पकड़ लेंगे और इसको सिल लेंगे ये देखिए वो एक फंदा जो उतारा है साइड में वही लेना है इस तरह से और देखिए जो ये रो हैं इनको आपको ऐसे रखना है और जहां पे जैसा है वैसे ही इनको टाँक देना है ये देखिए यहां पे ऐसे और देखिए ये वाली डिजाइन जो है इसको भी ऐसे ही टाँकना है आपको मिलाते हुए ताकि ये अच्छे से ये मैच कर जाए तो पता नहीं चले आप चाहें तो इसको राउंडेड भी बना सकते हैं तो उसमें कोई सिलाई नहीं करनी पड़ेगी आपको वो आपको सर्कुलर नेटल से बनाना पड़ेगा तो वो कुछ लोगों के पास नहीं होती है तो मैंने आपको इस तरह से बता दिया देखिए ये बहुत ही प्यारा कैप बन के कम्प्लीट होता है आप बहुत ही जल्दी इसको बना सकती हैं किसी भी साइज़ में हर साइज़ का आपको मैंने इसमें बता दिया है तो अब किसी भी साइज़ में आप देखिए इसको इसको ऐसे ये भी मिलाते हुए ही सिलना है ये देखिए यहाँ तक हमने सिल लिया पक्का करके कट कर देंगे